हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। NCERT से वैकेंसी आती ही रहती है। फिलहाल दो नए विज्ञापन जारी किए गए हैं जहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। कोई परीक्षा नहीं है, निशुल्क आवेदन करना रहेगा। एक विज्ञापन में सैलरी 35,000 पर मंथ है और दूसरे विज्ञापन में 45,000 पर मंथ सैलरी है। तो कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आई है ये जान लेंगे। क्वालिफिकेशन जो है उसमें क्या मांगी जा रही है, एज क्या है और कैसे अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। यहाँ पर जो है वैकेंसी आती ही रहती है और आप लोग जो है बिल्कुल चैनल पर बने रहें ताकि आपकी वैकेंसी आती है तो आप बिल्कुल फॉर्म अप्लाई करें। तो सबसे पहले जो है हम ये विज्ञापन देख लेते हैं जो कि 6 अगस्त 2024 का है, डिवीज़न ऑफ एजुकेशनल किट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है। यहाँ पर आप 1 साल काम कर लेते हैं, दोबारा से जो है अगर कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो दोबारा से आप जो है यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो है कोई भी प्रोजेक्ट में अगर वैकेंसी निकलती है तो बिल्कुल उसमें शामिल हो जाते हैं। सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 35,000 पर मंथ जो है वो सैलरी यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, एज जो है 45 ईयर है, 1 साल के जो है ये कॉन्ट्रैक्ट रहता है। इसमें वैकेंसी जो है पोस्ट का नाम है SRA फॉर मैथमेटिक्स सीनियर रिसर्च एसोसिएट। मास्टर डिग्री आपकी मैथमेटिक्स में हो, मैथमेटिक एजुकेशन में हो या फिर किसी भी जो है एनी रिलेटेड डिसिप्लिन विद मिनिमम 55% मार्क्स, आपने मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नेट जो है आपका क्वालिफाई होना चाहिए और आपका जो है कोई भी रिसर्च में या फिर शिक्षण कार्य में टीचिंग में आपका अनुभव हो। ठीक है, 2 साल का। डिज़ायरेबल में है प्रोफिशिएंसी इन हिंदी इंग्लिश, MS Excel, MS Office, अदर सॉफ्टवेयर की नॉलेज, तो ये डिज़ायरेबल में है। नहीं भी जो है आपको अगर कंप्यूटर की नॉलेज है तो कोई बात नहीं। मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में, जिनका मैथ्स है मास्टर डिग्री में तो वो तो अप्लाई कर ही देंगे नेट के साथ में। ठीक है, 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। तो चाहे आपने नेट क्वालिफाई किया हो या आप PhD कर रहे हैं, आपने एडमिशन लिया है तो सैलरी आपकी 35,000 पर मंथ रहेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है आयु सीमा में छूट रहेगी। इसमें जो है लिखा है 31 मार्च 2025 तक ही जो है ये प्रोजेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, तब तक जो है आपको रखेंगे। जगह है DE के NCERT श्री अरविंदो मार्ग न्यू दिल्ली 110016। ये एड्रेस है जहाँ आपको अपने जो है बायोडाटा, अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल फोटोकॉपी विद फोटो के साथ में इस जगह पर पहुँचना है 16 अगस्त 2024 को। ठीक है, सबसे पहले जो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अगर आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता है तो यहाँ लिखा है नो कैंडिडेट विल बी एंटरटेन आफ्टर 11 AM। ठीक है, तो 11 बजे के बाद अगर आप पहुँचते हैं तो आप जो है यहाँ पर आगे के प्रोसेस में शामिल नहीं हो पाएंगे। दूसरा जो वैकेंसी है ये वैकेंसी लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन डिवीज़न इस डिपार्टमेंट की है NCERT में ही। 30 जुलाई को ये विज्ञापन जारी हुआ था। इसमें भी वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांग रहे हैं, ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी ऑफ NCERT। क्वालिफिकेशन इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट आपका जो है कंप्यूटर्स में होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हो, MTech, ठीक है ये हो सकता है, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, या बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस और डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन हैं। तो अगर आपका जो है इसमें सब्जेक्ट है
2 साल का जो है इसमें एक्सपीरियंस जरूर मांग रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। एज लिमिट इसमें है 45 ईयर। इसमें भी 31 मार्च 2025 तक ये प्रोजेक्ट रहेगा और इस प्रोजेक्ट पे आपको काम करना होगा, आप बने रहेंगे। 45,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। 16 अगस्त को ही जो है इसका भी इंटरव्यू रहेगा। रिपोर्टिंग टाइम जो है 9:30 बजे है, तो आपको 9:30 बजे तक पहुंचना है। इसमें जो है अलग जगह पे आपको जाना है, ऑफिस ऑफ द हेड लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन डिवीज़न LDD GB पेंट ब्लॉक NIE NCERT। ठीक है, तो दोनों की जो है जगह आप देख लें अगर आप जाने के इच्छुक हैं और आप 35,000 45,000 सैलरी में आपका जो है यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी थी। अभी कुछ ही समय पहले जो है NCERT की तरफ से परमानेंट वैकेंसी जारी की गई, तो वो मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसकी अभी लास्ट डेट जो है नहीं निकली है। यहाँ पर आप देखेंगे जो कि एडवर्टीजमेंट नंबर 174/2024, ठीक है, ये जो है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका वीडियो जो है वो बिल्कुल बना दिया गया था जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी थी, ये परमानेंट वैकेंसी आई थी हिस्ट्री सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस एजुकेशन में, ठीक है, उर्दू ज्योग्राफी साइकोलॉजी हिंदी इंग्लिश इकोनॉमिक्स बॉटनी केमिस्ट्री आर्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक होम साइंस, तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताई थी। इसमें पे स्केल काफ़ी अच्छा, प्रोफेसर के लिए जो है यहाँ पर पे स्केल आपकी 1 लाख से अधिक, एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट जिसमें 1 लाख से अधिक जो है सैलरी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है, ठीक है, इसमें 57,700 आपकी एंट्री पे है, 123 नंबर ऑफ वैकेंसी आई, क्योंकि इसमें लास्ट डेट जो है वो क्या कही गई है, लास्ट डेट जो है इसमें 16 अगस्त 2024 है, ठीक है। बाकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये जो वैकेंसी आई हैं इनमें अगर आप आवेदन कर सकते हैं तो करिएगा, सैलरी आपको बता दी इसमें, लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप 174/2024 टीचिंग के लिए अगर आप आवेदन करना चाहेंगे तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे एकेडमिक में, ठीक है, वैकेंसीज के अंदर जो है एकेडमिक सेक्शन है, इस पर क्लिक कर लेंगे। और अगर आप जो 2 विज्ञापन मैंने आप लोगों को दिखाए, एक लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन डिवीज़न और दूसरा डिवीज़न ऑफ एजुकेशनल किट्स, तो इसके लिए आपको जो है प्रोजेक्ट स्टाफ जो है इसमें आपको सबसे ऊपर दिखेगा SRA की जो पोस्ट है मैथमेटिक्स इन DEK, ठीक है, एक तो आपको यहाँ दिख जाएगा, दूसरा इसी के नीचे वैकेंसी सेक्शन जो है यहाँ पर है ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंसमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर। चलिए, और भी वैकेंसी आती है किसी भी राज्य की आप लोगों तक सूचना बिल्कुल पहुँचाई जाएगी। थैंक यू।